विधानसभा में पीईटीएन विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। कितना खतरनाक है ये विस्फोटक, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया, ये पीईटीएन जो विस्फोटक मिला है कितना खतरनाक है? ये दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक विस्फोटक है। इसकी डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी जो है वो आरडीएक्स के बराबर है और इसको आसानी से डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। अगर ये वास्तव में विस्फोटक चल गया होता तो जितने भी विधानसभा के अंदर विधायक थे सारे के सारे या तो मारे गए होते या इंजर्ड हो जाते, जिससे बहुत बड़ा देश में भूचाल आ गया होता। बहुत महीन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनको पकड़ना बड़ा लाजमी है ताकि देश को पता लगे कि देशद्रोही कौन है। अभी सेशन चल रहा है सर यूपी विधानसभा में, बावजूद इसके इस तरह का एक्सप्लोसिव मिलना, आपको लगता है ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है? एब्सोल्युटली, अगर सुरक्षा में बड़ी चूक नहीं होती तो अंदर पहुंचता कैसे? इससे तो साफ तौर पे नजर आता है कि बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है, क्योंकि सारी जो स्टेट की असेंबलीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना उतना ही लाजमी है जितना कि आपके सेंटर को प्रोटेक्ट करना, खास करके आज के मौजूदा माहौल को देखते हुए। तो ये थे जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब, और इनका कहना है सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है और अगर ये इस्तेमाल होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लिहाजा हर स्तर पर सुरक्षा को और चाक चौबंद और मजबूत करने की जरूरत है। कैमरामैन भोपाल रावत के साथ सुमंत कुमार, एपीएन दिल्ली।